हेलो एवरीवन वेलकम टू अन अकेडमी आई रुड़की में एमटेक एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च दैट मींस कल से आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको ध्यान में रखना है आई रुड़की की वेबसाइट पर एक इंफॉर्मेशन ब्रोशर है उसी से रिलेटेड आज इसमें वीडियो को बना रहा हूँ कौन कौन से की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है चलिए स्टार्ट करते हैं तीन कैटेगरी के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं फर्स्ट कैटेगरी जो गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट है उनका एडमिशन हो सकता है जो आई आई टी से बी टेक है, है उनका एडमिशन है और एक और है फीमेल कैंडिडेट के लिए गोल्डन गर्ल स्क्रीम एलिजिबिलिटी क्या क्या है एलिजिबिलिटी है कैंडिडेट ऑफ जनरल यदि जनरल कैंडिडेट हैं आप या जनरल ईडब्यू से बिलोंग करते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन या ओबीएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो एटलीस्ट आपको 60 परसेंट मार्क्स या फिर सीजीपीए की बात करें तो सिक्स सी जी पी पॉइंट स्केल पर ये इतना होना चाहिए आपके पास एस सी एस टी पी और जो फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 55 परसेंट और सीजीपीए की बात करें तो 5.5 पॉइंट फाइव सी जी पी ए टेन पॉइंट स्केल पर तो ये 10 पॉइंट स्केल 9 पॉइंट स्केल 7 पॉइंट स्केल ये क्या होता है और कैसे कन्वर्ट करना है इसके लिए आगे इसी इंफॉर्मेशन ब्रोशर में उन्होंने टेबल दे रखी है तो आगे डिस्कस करेंगे तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी यदि आप जनरल कैंडिडेट है तो मिनिमम सिक्सटी मार्क्स होना चाहिए आपके सेकेंड जो बच्चे आई से बी हैं है आई ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए डायरेक्ट एडमिशन विदाउट गेट यदि उन्होंने गेट नहीं भी दिया है गेट क्वालिफाइड भी नहीं है तो भी उनका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा मिनिमम सीजीपीए की रिक्वायरमेंट है एट ऑन टेन पॉइंट स्केल ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है नोट में पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स विल बी कंप्लीटिंग ऑल दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग बैक पेपर सप्लीमेंट्री बिफोर द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मै ऑल्सो अप्लाई यदि आप फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं और कोई बैक भी आपका लग गया है कोई सप्लीमेंट्री आ चुकी है तो रजिस्ट्रेशन के पहले पहले वो क्लियर हो जाना चाहिए तो ही आप एलिजिबल हैं अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं ये पॉइंट कह रहा है कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन से एकेडमिक uh, प्रोग्राम में आपका एडमिशन हो सकता है उसके लिए मैंने uh, जो पॉइंट्स है वो हाईलाइट कर दिए ये स्पेसिफिकली सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है. तो यदि आप एम टेक रिन्यबल इन हाइड्रो एनर्जी वाली ब्रांच में करने में इंटरेस्टेड हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपका सिविल इंजीनियरिंग से आपका ग्रेजुएशन uh, होना चाहिए डिग्री होना चाहिए और जो डिपार्टमेंट है वो है हाइड्रो एंड रिन्यल एनर्जी ये डिपार्टमेंट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे इसी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में ये भी बता रखा है कि आप मैक्सिमम फोर डिपार्टमेंट एंड एकेडमिक प्रोग्राम में फोर्टीन फोर्टीन एकेडमिक प्रोग्राम में मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हो तो जो एकेडमिक डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर इस वाले कॉलम में दिख रहा है और प्रोग्राम जो है वो इस वाले कॉलम में दिख रहा है फोर मैक्सिमम डिपार्टमेंट एंड फोर्टीन मैक्सिमम एकेडमिक प्रोग्राम इस बात को भी ध्यान रखें आप लोग नेक्स्ट यदि आप इंटरेस्टेड है सिविल इंजीनियरिंग में एमटेक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग करने में तो अगेन बैचलर डिग्री इसके अलावा जियो स्पेशल इंजीनियरिंग में आप एम कर सकते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में एम हो सकता है आई रुड़की से हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग तो वही मिनिमम जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो डिग्री की है. बाकी ऊपर हमने परसेंटेज तो देख ही लिया कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है एमटेक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग तो ये पूरा एक ही डिपार्टमेंट में आ रहा है और वो है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ये सभी ब्रांचेस एक ही डिपार्टमेंट में आ रही है इसके अलावा यदि हम अर्थक्वेक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें तीन ब्रांचेस निकल करके आती है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो सॉयल डायनामिक्स स्ट्रक्चरल डायनामिक्स एंड सिस्मिक वलनेरेबिलिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट इसमें आपका एडमिशन हो सकता है सिविल इंजीनियर जो है वो एलिजिबल है इन ब्रांचेस के लिए थर्ड फोर्थ डिपार्टमेंट की बात करें हाइड्रोलॉजी डिपार्टमेंट में भी आप एडमिशन ले सकते हैं जिसमें जो प्रोग्राम है वो है एम टेक इन हाइड्रोलॉजी अगेन बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट सभी में बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट है इसके अलावा नेक्स्ट डिपार्टमेंट वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट भी है इसमें भी आप इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड एम टेक ड्रिंकिंग वाटर इंड सिशन इसमें इस प्रोग्राम में भी आप एडमिशन ले सकते हैं सभी सिविल इंजीनियर्स एलिजिबल हैं इसके लिए नैनो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में भी आपका एडमिशन हो सकता है एम इन नैनो टेक्नोलॉजी अगेन सिविल इंजीनियरिंग जो ब्रांच है वो एलिजिबल है यहाँ पर इसके अलावा नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो डिज़ास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट इस डिपार्टमेंट में भी आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट कोर्स में दैन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डिपार्टमेंट ये एक अलग डिपार्टमेंट है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग अलग है ये एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डिपार्टमेंट है जिसमें आप एम इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम में कर सकते हैं बाकी सारी ब्रांचेस का दे रखा है जो भी अदर ब्रांच के स्टूडेंट यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा वहां से आप देख सकते हैं ये टेबल टू इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको कह रहा था कि टेन पॉइंट स्केल पर आपका सीजीपीए कितना है तो सीजीपीए को कैसे मार्क्स में कन्वर्ट करना है उसके लिए टेबल दे रखी है यदि आप नाइन पॉइंट स्केल पर सीजीपीए को कन्वर्ट करने में इंटरेस्टेड है मार्क्स में तो ये टेबल के थ्रू कर सकते हैं इसी तरीके से एट पॉइंट सेवन पॉइंट अदर पॉइंट स्केल पर आपको कन्वर्जन इन्होंने बता रखा है तो इंपॉर्टेंट डेट क्या है इंपॉर्टेंट डेट है कल कल से स्टार्ट होने जा रहा है रजिस्ट्रेशन तो पोर्टल ओपन हो जाएगा थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च फ्राइडे से एप्लीकेशन पोर्टल क्लोज होने की डेट भी ध्यान रखें फोर्टीन ऑफ अप्रैल इन्होंने मेंशन कर दिया है कि आप लास्ट डेट का वेट ना करें पहले ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें ऑनलाइन एडमिशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा जुलाई ट्वेल्व एंड थर्टीन से और डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन जो होगा वो फोर्टीन ऑफ जुलाई को हो जाएगा देखिए इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एम uh, टेक में यदि आप एडमिशन ले रहे हैं तो केवल मैक्सिमम फोर डिपार्टमेंट में ही आप अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम फोर डिपार्टमेंट और एकेडमिक uh, प्रोग्राम की बात करें तो मैक्सिमम फोर्टीन एकेडमिक प्रोग्राम में ही आप एडमिशन ले सकते हैं जो स्टार्टिंग से मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ सिलेक्टेड कैंडिडेट विल ऑफर एडमिशन ऑनली इन वन प्रोग्राम केवल एक प्रोग्राम में एडमिशन मिलेगा जो भी आपकी प्रेफरेंस होगी जो भी मेरिट के हिसाब से आपको अलॉट होगा उसी में आपका एडमिशन होगा ये चीज भी इन्होंने क्लियर कर दी है जो भी बच्चे एस सी एस टी ओबीसी कैटेगरी के, के हैं तो उनको जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना रहेगा लेकिन उसके लिए भी इन्होंने डेट बता रखी है क्या डेट बताइए कि 31 मार्च 2022 मतलब कल से जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा उसके बाद उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट उस डेट से जो इश्यू होगा गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा आपको वो एक्सेप्टेबल होगा ठीक है तो आपको ये बनवाना पड़ेगा इसका मतलब जो भी बच्चे एस सी एस टी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अच्छा इसके अलावा क्या बता रखा है इन्होंने नोट में पॉइंट सेपरेट एप्लीकेशन विद पेमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर इच एडमिशन कैटेगरी हर एक एक कैटेगरी के, के लिए आपको अलग अलग पेमेंट करना होगा ये चीज भी इन्होंने क्लियर कर दी है कौन कौन सी स्कैन कॉपी आपको रखना है मैक्सिमम साइज फाइव एम का तो जब आप रजिस्ट्रेशन करें उसके पहले ये सारी चीज़ें आपके पास पी या जेपीजी फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए इन्होंने बता दिया कौन सा पी और कौन सा जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए तो एप्लीकेंट का फोटो सिग्नेचर ये जेपी फॉर्मेट में होना चाहिए टेंथ की मार्कशीट ट्वेल्थ की मार्कशीट और बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिए रजिस्ट्रेशन करने से पहले कितना है एप्लीकेशन फीस यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है वो थ्री हंड्रेड है एस सी कैटेगरी के लिए वन एंड और दी फीमेल कैंडिडेट्स कोई भी फीस नहीं है और सब कुछ जो होगा वो ऑनलाइन मोड में ही होगा जो भी फीस पे होगी वो ऑनलाइन ही होगी अच्छा इसमें स्कॉलरशिप के बारे में क्या बता रखा है स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन एलिजिबल है तो जो भी गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट है वो तो एलिजिबल है ही हैं आगे इन्होंने बता रखा है कि बी डिग्री होल्डर फ्रॉम एनी आई आई टी विथ मिनिमम सी जी पी एट ऑन टेन पॉइंट स्केल विदाउट गेट आर ऑल्सो एलिजिबल तो जो बच्चे आई से ग्रेजुएट हैं और उनका सी जी पी ए दस है सी जी पी आठ है टेन पॉइंट स्केल पे वो भी एलिजिबल है स्कॉलरशिप के लिए बाकी जो गेट क्वालिफाइड है वो तो एलिजिबल रहते ही हैं स्कॉलरशिप के लिए है ना तो सिलेक्शन एंड एडमिशन प्रोसेस को यदि अपन देख लें तो यदि आप गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं तो एलिजिबल हैं आई ग्रेजुएट में जैसा हमने डिस्कस किया कि सी जी से ज़्यादा होना चाहिए और गोल्डन गन स्कीम जो है फीमेल के लिए उसके लिए केवल इंटरव्यू के थ्रू ही सिलेक्शन होगा ठीक है तो जो भी बच्चे गेट क्वालिफाइड है और एमटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं सबसे पहले तो आपको सी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन uh, करना होगा ये इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी और जो आई आई ग्रेजुएट्स हैं वो डायरेक्टली आई आई टी पर जाकर के एडमिशन ले सकते हैं आगे इन्होंने एक पॉइंट बता रखा है कि जब आप सी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर लें और आपको जब कोई चीज अलॉट हो जाए कोई डिपार्टमेंट कोई ब्रांच अलॉट हो जाए तो आगे ये बोल रहे हैं कि हु एक्सेप्ट एंड फ्रीज देयर ऑफर हैव टू मेक ऑनलाइन पेमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट फीस विद इन दी स्टिपलेटेड डेट तो आपको एक डेट बताई जाएगी उस डेट में आपको यदि आपने ब्रांच को फ्रीज कर दिया है आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो भी डिपार्टमेंट और ब्रांच मिली है आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको जो भी एक डेट बताई जाएगी उसमें आपको पेमेंट करना होगा ऑनलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये भी अच्छा आगे इन्होंने बता रखा है कि चॉइस ऑफ मैक्सिमम फोर्टीन वंस गिवन शेल नॉट बी चेंज जो फोर्टीन कोर्स में आप एनरोलमेंट ले सकते हैं तो एक तो मेरिट वाइज आपको आपकी जो प्रेफरेंस है आपकी प्रेफरेंस वाइज आपको आ, वहाँ पर कैटेगराइज करना है उसको कि फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी क्या है सेकेंड क्या है और मेरिट के बेसिस पर आपको वो अलॉट होगी तो मैक्सिमम फोर्टीन आपको जो एनरोल आपको जो आ, प्रेफरेंस डालना है फोर्टीन का वो उसमें कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं होगा ठीक है ये चीज इन्होंने पहले क्लियर कर दी कि उसमें कोई चेंज पॉसिबल नहीं होगा मतलब आप देख करके समझ करके ही आ, प्रेफरेंस फिल करें तो इतनी पूरी डिटेल थी ये जो क्या है ये एनेक्सचर तो जो भी बच्चे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अंडरटेकिंग है कुछ चीज़ अवेलेबल नहीं हो तो ये अंडरटेकिंग फॉर्म आप दे सकते हैं तो इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इसमें डेट जरूर ध्यान रखें डेट कब से कल से स्टार्ट हो रहा है थर्टी ऑफ मार्च से फीस है थ्री हंड्रेड जनरल कैंडिडेट के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए रजिस्ट्रेशन करने से पहले और जो पोर्टल क्लोज होने की डेट है वो फोर्टीन ऑफ अप्रैल है ये सारी डेट को आप नोट कर लें इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू